बड़ी खबर इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, आपको बता दें कुतुब मस्जिद के इमाम नमाज रोके जाने के खिलाफ फौज का रुख करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मस्जिद में सालों से नमाज पढ़ी जा रही है। मस्जिद के इमाम भी हिंदू पक्ष के दावों की तस्दीक करते हैं। वो मानते हैं कि दीवारों पर हिंदू देवी देवता हैं, लेकिन दलील ये है कि उस मस्जिद के लिए इस्तेमाल पत्थरों में ही ये उकेरी होती थी। अनीशा माथुर हमारी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। अनीशा, इमाम साहब जिस याचिका की बात कर रहे हैं, कब तक कोर्ट में दायर करेंगे? उन्होंने कुछ डिटेल्स बताई हैं, क्या कहेंगे इस याचिका में? देखिए, इमाम साहब ने अभी मीडिया के कैमरों के सामने ये कहा है कि हम कोर्ट के सामने का रुख कर रहे हैं। अभी कोर्ट में हम साकेत कोर्ट के दरवाजे के बाहर खड़े हैं इस वक्त, और साकेत कोर्ट में इस वक्त अभी मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई याचिका फिलहाल नहीं आई है। जो साकेत कोर्ट में आया है वो दो चीज है, एक तो हिंदू पक्ष की तरफ से जो याचिका आई है जिसमें कहा जा रहा है कि ये जो मस्जिद है ये मंदिरों को तोड़ के बनाई गई है, इसलिए हमारे मंदिरों को रिस्टोर किया जाए, उनका जीर्णोद्धार किया जाए, हमें वहां पर पूजा करने की परमिशन दी जाए। एएसआई की तरफ से आज सुबह एक एफिडेविट फाइल हुआ है हिंदू पक्ष की याचिका को अपोज करते हुए। एएसआई ने अपने एफिडेविट में साफ तौर पे कहा है कि किसी भी धर्म के लोगों को कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में पूजा अर्चना या नमाज का कोई अधिकार नहीं है। मैं आपको पढ़ के सुना दूं, अगर एएसआई का एफिडेविट, उसमें साफ ये लिखा है कि देयर इज की फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अवेल्ड इन वायलेशन ऑफ एनी स्टैट्यूट ऑफ द लैंड। मतलब जो आप राइट टू वर्शिप की बात कर रहे हैं, आप उसको आप अपने धर्म के राइट को किसी भी कानून के को की खिलाफत करते हुए नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। रिवाइवल ऑफ वर्शिप इज नॉट अलाउड वेर एवर इट इज नॉट प्रैक्टिस एट द टाइम ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट। यानी कि 1914 में जब एएसआई ने इस पूरे कॉम्प्लेक्स को अपने अंतर्गत लिया था, 1914 यानी कि 120 साल पहले से ये मॉन्यूमेंट जो है ये एएसआई प्रोटेक्टेड है, और तब ना वहां पर किसी मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही थी, ना वहां पर कोई मंदिर, कोई पूजा अर्चना किसी चीज का अधिकार था। एएसआई ने अपना साफ कहा है कि अगर जिस वक्त उस परिसर को हमने लिया उस वक्त कुछ नहीं हो रहा था, तो आज भी उसका अधिकार किसी को भी नहीं है। हिंदू पक्ष की याचिका के को इसीलिए एएसआई ने अपोज किया है कि आप वहां पर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है।